हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ सैलरी पर्सन या जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न से लेके उसके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं, और अगर उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए कि सर मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, और आधार कार्ड की लिंक करने की जो लास्ट डेट गवर्नमेंट ने बताई थी वो मार्च 2022 थी जो चली गई है। मार्च तक जिसने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर दिए हैं उनके लिंक हो गए, और उसके बाद में जो बचे हुए पैन कार्ड हैं जिसके लिंक नहीं है उसका क्या प्रोसेस है इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। और उसके बाद में बताएंगे कि पैन कार्ड आधार कार्ड आपका लिंक है या फिर आपने करवाया है लिंक, तो लिंक क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे अगर आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर आपको बोला है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सी बैंक में जाओगे और बैंक वाले से जाके बोलोगे कि मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड को मेरे अकाउंट से लिंक करना है। तो वो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, वो आपको बोलेगा कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी करके आप उसके ऊपर साइन करके यहाँ पर रख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। हम नॉर्मली फ्रेंड्स उसको वहाँ पर रख के आ जाते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ को तो नोटिस किया ही नहीं था कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपके नाम के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर स्पेस है या फिर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ चेंज है, उस भी फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी उसमें करेक्शन है, दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में यही पॉइंट रहता है कि हमने वो बैंक में दे दिया और वो लिंक हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे भी कई फ्रेंड्स के मैसेज आए कि सर मैंने तो ऑलरेडी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा दिए। फ्रेंड्स, उसको हम कैसे चेक करते हैं? अभी मैं आपका लिंक है नहीं है उसको कैसे चेक करते हैं? अभी मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है, अगर आप उसको फॉरगेट OTP करोगे, एक सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है तो आप ITR की वेबसाइट पर जाके फॉरगेट OTP करोगे, तो उसके अंदर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है अगर वो आपका पैन कार्ड से लिंक है। नहीं तो फ्रेंड्स, आपको लिंक का ऑप्शन आ जाएगा उधर ही, और आप जैसे ही लिंक करते हो तो आपको सीधा वो वहाँ से ITR की जो वेबसाइट होती है वहाँ से आपको पैन कार्ड की जो NSDL वेबसाइट होती है वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालने पड़ते हैं और आपके आधार कार्ड नंबर डालने पड़ते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स वो आपको प्रोसीड करता है, तो उसका जो चालान पे होता है वो हमें पे करना पड़ता है। जहाँ तक सही फ्रेंड्स चालान की बात है, उसके लिए भी मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ। इस मैसेज में आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो लिंक की लास्ट डेट दी थी वो मार्च 2022 थी जो चली गई है। अब उसने लास्ट डेट दी है वो दी है जून, जो पेनल्टी के साथ हम उसको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स उसमें साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि जिसका भी पैन कार्ड 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद जिसका भी ये पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा उसको डबल पेनल्टी मतलब 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ऐसा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स बात ये तो हो गई है लिंकिंग की। 26AS जो आपके पैन कार्ड के अंदर होता है, और एक फॉर्म होता है जो सैलरी पर्सन का होता है फॉर्म 16। तो दोनों फॉर्म्स के अंदर फ्रेंड्स डिफरेंट क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जो हमारे डेटाज होते हैं आपके डेटा आपके फॉर्म 16 के अंदर शो कर रहे हैं, लेकिन वही इनकम और डेटा आपके मेरे कुछ टिप्स थे कि मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसको अभी तक उसका बेसिक भी नहीं पता है कि उनका लिंक किससे, पैन कार्ड लिंक है, आधार कार्ड लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, कौन सा किससे लिंक है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। तो मैंने कोशिश की है जितनी मेरी तरफ से हुए कि मैं उसको ये समझा सकूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।